रियासत कर्नाटक में हिजाब के तनाज़े के बाद एक और मामला सामने आया है जिसमें एक प्रोफेसर ने मुस्लिम तालिबे इल्म को दहशतगर्द करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया उडुपी के मणिपाल यूनिवर्सिटी का है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि प्रोफेसर ने लेक्चर के दौरान एक मुस्लिम तालिबे इल्म को क्लास में ही दहशतगर्द करार दे दिया। प्रोफेसर ने तालिबे इल्म से नाम पूछा, उसने जैसे ही अपना नाम बताया प्रोफेसर ने कहा, अच्छा तुम कसाब हो? वाज़ह रहे कि मुंबई दहशतगर्द में मुलविस अजमल कसाब को फांसी दे दी गई है। प्रोफेसर के जानिब से अजमल कसाब से तकाबुल पर तालिबे इल्म ने शदीद एतराज़ करते हुए कहा कि वो एक दहशतगर्द से तकाबुल करते हुए उनके मजहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबे इल्म की बात सुनने के बाद प्रोफेसर ने कहा कि तुम मेरे बच्चे जैसे हो, जिस पर तालिबे इल्म ने जवाब दिया कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, कोई भी बाप अपने बेटे से ऐसी बात नहीं करता। इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया है। तालिबे इल्म और प्रोफेसर के दरमियान बातचीत की रिकॉर्डिंग क्लास में मौजूद किसी साथी ने अपने सेलफोन में फिल्म बंद की जो वायरल हो गई है। Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son. No. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. But how can you call me like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told you. You are a professional. You are teaching. Yeah, sorry. You can't call me that. Sorry, I told you. Sir, sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here.